अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोकताज कुकिंग सेंट्रल। आज हम बनाएंगे तवा नान। इसे मैं आपको तवे पे बनाने दिखाऊंगी। मैंने इसे यहाँ ओवन वगैरह में नहीं बनाना है। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है 250 ग्राम मैदा। मैं इसमें ऐड कर दूंगी गेहूं का आटा आधा कप। आप चाहे तो पूरे मैदे का भी बना सकते हैं। और इधर मैंने ले लिया है 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लिया है। मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने ले लिया है आधा चम्मच। मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। यहाँ मैंने ले लिया है आधा चम्मच खाने का सोडा। और यहाँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है। और यहाँ मैं डाल दूंगी 3 से 4 चम्मच दही। और ये मैंने गुनगुना दूध ले लिया है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर सिरप। मैंने इसमें चीनी को घुलने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मैंने ये गुनगुना दूध लिया 1 कप। मैं इसमें ज़रा सा थोड़ा ऐड करके अभी हम इसको एक डो की फॉर्म में बनाएंगे। मैं इसमें थोड़ा दूध और ऐड कर दूंगी। ये मैंने लगभग इसमें आधा कप पूरा दूध ऐड कर दिया है। मैं इसमें थोड़ा और दूध डालूंगी क्योंकि अभी हमें इसमें दूध की थोड़ी और ज़रूरत है। आप चाहे तो पानी वगैरह के साथ भी इसे गूंद सकते हैं। मैं अपने थोड़े हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दूंगी ताकि इसे मलने में थोड़ी सी आसानी हो। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गए। अभी मैं इसे रेस्ट करने के लिए रख दूंगी 20 मिनट। 20 मिनट के बाद अभी हम फिर मिलते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी इसमें भी हम इसके पोर्शन बना देंगे। इतना मैंने आटे से पोर्शन ले ली हूँ। इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है ताकि इसमें एयर ट्रैप हो जाए। इस तरह से मैंने लोई बना देंगे हम इसकी। और इसको अभी बेल देंगे। अभी हम ये थोड़ा सा मैंने सूखा आटा ले लिया है। आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप जरूर, ताकि मेहमान भी आपके खुश हो जाए। अभी मैं इस पे ऐड कर दूंगी कलौंजी। आप चाहे तो काली तिल या सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूंगी। मैंने इसके ऊपर अभी सिर्फ एक हल्का सा हमने बेलन फिरा देना है ताकि ये इसमें सब हमारे इंग्रेडिएंट्स चिपक जाए। अभी मैं इसमें इसको पलटी करके मैं इसमें इस तरह से देखो मैंने पलटी कर लिया है। अभी मैं इसमें पानी लगा दूंगी ऊपर से। आप हाथ की मदद से लगाए या ब्रश वगैरह की मदद से लगाए। ये नॉन स्टिक के तवे पे आपने इसे नहीं सेकना है। हमारा जो आयरन वाला तवा होता है, अगर आप पानी ठीक से नहीं लगाएंगे तो ये तवे को नहीं छिटकेंगी। यहाँ मेरा तवा भी बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया। इसे मैंने 2 से 3 मिनट इस तरह से सेकना है मीडियम को, फ्लेम को मीडियम रख के। अभी मैं इसको क्या कर दूंगी, अभी मैंने तवा ऐसा पलटी कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से अभी घुमा के मैंने
सब तरफ से इसको सेक लेना है। अभी मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दूंगी, आप चाहे तो बटर या घी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट नान हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारी तवा नान तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने सब बेल लेने हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही आसानी से निकल गई है। मैं आपको पीछे से पलटी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह एकदम होटल की जैसी हमारी तवाना तैयार हो गई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको इसे तोड़कर दिखा देती हूँ कितनी माशाल्लाह आसानी से बहुत ही परफेक्ट बन गई है हमारी तवाना। आप देख सकते हैं बहुत ही ऐसी नर्म हो गई है, फ्लफी हो गई है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह से मैंने सब नान बना लेने हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए।